وبالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داهي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي البتهي الأبتهي التهامي أول الأدد وصاحب الأبد روحه نسخة الأهدية في اللاهوت وجسمه صورة معون الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد جب کبھی یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے کہ سرکار رسالت کے جشن ولادت کے موقع پر اگر خطاب کرنے کا موقع ملا تو میں نے سب سے پہلے ایک گزارش کی ہے اور کل ایرانیان کی تقریر میں یہ میری آخری گزارش تھی جہاں سے آج میں تقریر کا آغاز کر رہا ہوں اور وہ گزارش یہ کہ کچھ فکر عالم سے بلند ہو کر کچھ سطح دنیا سے فوقیت جتلاتے ہوئے اور کچھ دنیا کے سوچنے اور مدح سرائی کرنے والوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس مجمع کو ایک طرح سے امتیاز ہونا چاہیے ایک تفوق ہونا چاہیے ایک فوقیت ہونا چاہیے اور مجموعوں پر اور وہ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ چھپا ہوا نہیں ہے واضح طریقہ ہے کہ دوسرے محافل میں دوسرے مقامات ذرا سا کچھ پاس ہوتا ہے لحاظ ہوتا ہے ادھر ادھر دیکھتے ہیں درود پڑھتے ہوئے کہ کہیں آواز ہماری زیادہ بلند تو نہیں ہو رہی ہے
इम्तियाज आपको अब होना चाहिए और ये तफव्वुक होना चाहिए कि बगैर किसी फिक्र के और बगैर इस अंदाजे के कि पड़ोसी कौन है, बेख्तियार जहां नाम आए दिल झुके और जैसे ही दिल झुके उस नेमत का शुक्र अदा करे इंसान कि जो नेमत इंसान कामिल उसको अता हुई है। और बेहतरीन तरीके शुक्र सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा, दुनिया को मालूम है, इन महफिलों में शरीक होने वालों को मालूम है, और जो मैन एंड अफेयर से वाकिफ है वो जानता है कि ये इम्तियाज और ये खसूसियत इन्हीं मजलिसों के लिए है कि जहां हम बगैर जबर व इकराह के और बगैर तकाजे के हमेशा इस बात के आदि रहे हैं मुताबिअत मासूमीन में कि जहां खत्मी मर्तबत का नाम आया दिल ने बेख्तियार यही तय किया कि इस तरह से तलब रहमत करें खत्मी मर्तबत के लिए, इस तरह से तलब रहमत करें कि फकत सवाब दिल को नहीं समाअत को सवाब मिले, फिक्र को सवाब मिले, फहम को सवाब मिले, हमसाये को सवाब मिले, बाजू बैठने वाले को सवाब मिले और इस सवाब की तकसीम आपके जिम्मे रहे कि बे इख्तियार और बार बार मुसलसल रोजे विलादत ईद मनाते हुए अगर हम आयत के हुक्म पर चलकर बार बार दुरूद पढ़ते रहे तो इसमें कुछ हमारा ही फायदा है, हमारा ही फायदा है। अजीब बात है, मासूम फरमाते हैं अगर किसी दुआ को करना हो और किसी दुआ के लिए बेचैन हो और अगर वो कबूल न होती हो तो अव्वल व आखिर दुरूद पढ़ो, इसलिए कि वो सखी है, वो करीम है, वो गनी है, पहले और आखिर को कबूल करके दरमियान को नजरअंदाज नहीं करेगा। इसलिए हर दुआ से पहले, हर दुआ के बाद बंदगी के उन लम्हात में जहां इजाजत मिले, बंदगी के उन लम्हात में, खालिक की बंदगी के उन लम्हात में जहां जर्रा बराबर भी इजाजत मिले, दुरूद से गाफिल न रहो, सुभाना रब्बी अल अजीमी व बिहम्दे रब्बी सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, सुभाना रब्बी अल आला व बिहम्दे रब्बी सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, वो रुकू हो, सुजूद हो, तशहुद हो, कुनूत हो, दुरूद को फरामोश न करो। यह तमहीद थी, बड़ा अजीब नुस्खा है, बड़ा अजीब नुस्खा है। और कल की गुफ्तगू के आखिरी अज्जा ये थे कि मंसूर दवानिकी के दरबार में कई मर्तबा एक ही निशस्त में खत्मी मर्तबत का नाम आता और सुनने वाले सरसरी गुजर जाते, मोहम्मद 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 मोहम्मद, और उसी दौर में अगर इमाम सादिक के सामने नाम आता तो रावी कहता है कि मैं समझता कि आप सजदा करेंगे, इतना सर को झुकाते, इतना सर को झुकाते कि ख्याल होता शायद सजदा करेंगे, और फिर इमाम दुरूद भेजता मासूम पर।
अमल शाही का है या दस्तूर इमामत का है? शाही की निगाह में मुल्क है, इमामत की निगाह में मलकूत है। शाही मुल्क मोहम्मद को देख रही है कि कभी वो हुकूमत करते थे, कभी मदीने में हुकूमत थी, आज हमारी हुकूमत है। इमामत मलकूत को देख रही है कि उनकी हुकूमत थी, है, रहेगी। तो अबू सुफियानी निगाह जब तक मुल्क से वाबस्ता रहेगी, खत्मी मर्तबत पहचाने न जा सकेंगे। और जहां मलकूत पेश नजर हो, होल्ड कायनात का, होल्ड कायनात का कंट्रोल, मलकूत जमीन व आसमान का रब्त, कायनात का बाहमी रब्त, मलकूत इलाही सल्तनत के जहां एक का कब्जा और एक का इख्तदार हो, अगर ये मलकूत पेश नजर है तो फिर बकाए दवाम है। और बकाए दवाम इस शान से है कि कल का सिलसिला फिक्र अगर कुरान मौजूदा है और कयामत तक रहने के लिए है, तो इस मौजूदे में जिस शान से नबी का जिक्र किया है उसको तो मुसलमान नहीं भूल सकता। क्या 23 बरस की तबलीग के लिए ये आयत मुनासिब है? वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, नहीं भेजा तुझको मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर। कुल 23 बरस की जिंदगी नबूवत की और आलमीन के लिए रहमत, ये निगाह है इलाही है। ये हमारे सनीनो साल हैं 23 साल, मगर निगाह इलाही में ये इब्लाग और तबलीग, ये रिसालत और नबूवत कयामत तक है, कयामत तक है। जब तक ये इरसाल और तबलीग है, जब तक ये रिसालत और नबूवत है, दुरूद है, दुरूद है, जब तक उनकी हुकूमत मलकूत के साथ वाबस्ता है, दुरूद है। बहरहाल चंद जुमले तमहीद के तौर पर अर्ज किए गए। इजाजत दीजिए कि अब उस मसाले पर गुफ्तगू हो कि जिस मसाले का ताल्लुक बिस्तर मेरी तमहीद ही से है, और वो ये है कि सूरह मोमिनून में खिलकत इंसान के मदारिज बयान किए गए और कहा गया कि लकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिम मकीन सुम्मा खलकनन नुतफता अलकता फखलकनल अलकता मुज़गत। हमने इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर नुतफे से खल्क किया, फिर उसको अलका बनाया, फिर उसको मुज़गा बनाया, फिर उसको इज़ाम बनाया। सुम्मा अनशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। यह खिलकत इंसान सूरह मोमिनून, तीन नुतफा, अलका, मुज़गा, इज़ाम, लहम, सातवीं मंजिल खिलकत आखिर, सातवीं मंजिल खिलकत आखिर। आयत यहां तमाम नहीं हुई, इरशाद होता है वल्लकत खलकना फौकाकुम सबअ तराइक, और इसी तरह से हमने तुम्हारी तरक्कियों के लिए और 7 रास्ते बना दिए। वमा कुन्ना अनिल खल्क गाफिलीन, और हम अपनी मखलूक से गाफिल नहीं थे। 7 मदारिज खिलकत तय हुए और 7 मदारिज खिलकत ऊपर और हैं।
वो है कि जब इंसान पैदा हुआ तो आंखें देखने वाली, सुनने वाले कान, चखने वाली जबान, महफूज करने वाला दिल और फिर हाजिमा, दाफिया, जाजिबा, मासिका, मुरब्बिया, यानी वो तबीयतें जो गिजा को जज्ब करे, हजम करे, रोके और तरबियत करती जाए, नश्वनुमा पैदा हो जाए, ये मकाम तबा है, तबीयत है। यानी अभी इंसान आया दुनिया में, अभी हैवानियत से मुत्तसिल है, मकाम तबा है, उसी तरह से देखता है, उसी तरह से सुनता है, उसी तरह से चखता है, उसी तरह से सोता है, उसी तरह से जागता है और उसी तरह से हजम करता है, उसी तरह से दफा करता है, उसी तरह से अपनी तरबियत करता है। पहली मंजिल। उसके बाद मकाम तबा से बुलंद हुआ, मकाम नफ पर आया। अब मकाम नफ पर आया तो अना है, मैं हूं, मैं हूं। अब सोच रहा, अब शऊर पैदा हुआ, अब उस पर अना गालिब हुआ और ये अना उसको या सही रास्ते पर ले गया या गलत रास्ते पर ले गया। इन्ना हदैना हुस्सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, रास्ते की हमने हिदायत कर दी, अब चाहे शुक्रगुजार बने चाहे कुफराने नेमत करे। यह मकाम नफ है। फिर एक मतलब गौर करें, तीन नुत्फा, अलका, मुजगा, इजाम, लहम, खिलकत आखिर, यह सात मरातिब खिलकत इब्तदाई थे। इसके बाद और सात मरातिब, मकाम तबा, मकाम नफ, और मकाम नफ से जब बुलंद हुआ मकाम कल्ब पर आया। मकाम कल्ब वो जो हर वक्त मुनकलिब होता रहे, कल्ब है वही कि जहां इनकलाब होता रहे, यानी एक कल्ब वो है कि फी कुलूब ही मरजुन, और एक कल्ब वो है कि नजल बिही रूहुल अमीन अला कल्बिक, कि रूह अमीन वही को लेकर तेरे कल्ब पर आया, कल्ब से कल्ब तक लाखों मदारिश थे, लाखों मदारिश थे। और यही है मुनकलिब होते रहना, कि जहां नबी फरमाते हैं हमेशा कहते रहो सब्बित कल्बी अला दीनेक, मेरे कल्ब को साबित रख तेरे दीन पर। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, परवरदिगार हिदायत के बाद फिर दिलों में कजी ना आए। यह मकाम है कल्ब है, तब हो नफ्सो कल्ब। इस मकाम पर जहां कल मर्ज़ी मौला के ताबे हो गया, चौथा दर्जा है रूह का। तब वो नफ्सो कल्ब वो रूह, रूह की मंजिल वो है कि अम्र रात की तरह से दिल आईना बन जाए, दिल आईना बन जाए, यानी ये मंजिल रूह है कि जैसे रूह आई उसी तरह इंसान उस रूह को अपने आईने में कबूल करके मर्जी इलाही का आईना बन जाए। यह मकाम रूह है। और इसके बाद तीन दर्जे और, मकाम सिर। अब यहां से राज शुरू हुआ, राज शुरू हुआ कि नहीं मालूम यह क्या है। और फिर छठा दर्जा खफी, छिप गया। सातवां दर्जा अख्फा, अब बिल्कुल पिन्हा हो गया। तो ये सात मरातिब थे इंसान के कमाल के, तीन नुत्फा, अलका, मुजगा, इजाम, लहम, खिलकत आखिर, तबा, नफ, कल, रूह, सिर, कफी, अख्फा। अब इन मदारिज में इंसानियत का कमाल पिन्हा है। अब जिसने मकाम नुत्फियत से पैगंबर को देखा, उस निगाह पर भी नजर रहे। जिसने मकाम अलकियत से देखा, वो निगाह भी पेश नजर रहे। जिसने मकाम मुजगियत से देखा, वो निगाह भी पेश नजर रहे। जिसने पैगंबर को आलम तबा में देखा, वो भी निगाह पेश नजर रहे। उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, तवालुद तनासुल है, उसी तरह से पैगंबर को भी देख रहा है।
اور جس نے مقام نفس میں دیکھا کہ میرا آنا ہے پیغمبر کا بھی آنا ہے اس نے بھی کچھ تعریف کی, جس نے مقام قلب سے دیکھا اور مرضی مولا کا پابند ہو کے دیکھا اس نے بھی ختمی مرتبہ کی تعریف کی, اور اس کے بعد اب مقام سر و خفی و اقصا پر جس نے دیکھا ان کی گفتگو مجھ سے ناممکن ہے, میں اندازہ نہیں کر سکتا. اب آپ بتلائیں کہ ان مدارج میں سے آپ کس مقام سے پیغمبر کو دیکھنا چاہتے ہیں, کس مقام سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ عالم حیوانیت سے جو عالم تباہ ہے, عالم قلب سے, عالم نفس سے, عالم روح سے, کہاں سے, کس طرح سے دیکھیں گے؟ ہر شخص اپنے آئینے میں ایک تصویر پا رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ محمد کو دیکھیں تعریف کرنے والے کے آئینے کو کیوں نہ دیکھیں؟ تعریف کرنے والے کے آئینے کو کیوں نہ دیکھیں؟ کتنی قدورتیں لیے ہوئے ہیں, کتنا زنگ ہے, کہاں تک نفس ہے, کہاں تک قلب بیمار ہے, اور اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ تعریف کیسی ہو رہی ہے. تعریف کرنا کیوں ضروری ہے؟ بہت صاف گفتگو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں سے آپ یہ فکر لے جائیں تو آپ کے لیے یہ فکر مفید ہوگی. تعریف کرنا ضروری ہے اس لیے کہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے, کلمہ پڑھنا ضروری ہے. اگر کلمہ بغیر معرفت ہے تو جہالت ہے. اس لیے کہ شہادت علم کے ساتھ ہے, شہادت علم کے ساتھ ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. تو شہادت کے لیے علم چاہیے, بغیر علم گواہی قبول نہیں ہے. سننے والے شہادت کی آوازوں کو سن رہے ہیں, اذان دینے والے شہادت کا اعلان کر رہے ہیں, اعلان کرنے والے بھی ہیں, سننے والے بھی ہیں. علم کہاں ہے؟ علم کہاں ہے؟ اور اذا جاءک المنافقون قالوا انک لرسول اللہ, منافق آ کے تیرے پاس کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں, نشہدو, ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ, کہ تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یعلم انک لرسولہ, اللہ کو علم ہے کہ تو اس کا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, لیکن خدا شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. بہت غور کیجئے, میں اس کا ترجمہ پھر پڑھوں. یہ سورہ منافقون ہے, سورہ جمعہ کے بالکل بعد ہے, اور پڑھنے والے ہر جمعے کو پڑھتے ہیں. منافق تیرے پاس آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو رسول ہے, اللہ کو علم ہے کہ تو رسول ہے, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. تو جھوٹ کہاں ہے؟ جھوٹ کہاں ہے؟ کیا اس بات میں جھوٹ ہے کہ تجھ کو رسول کہہ دیا؟ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ منافق آ کر گواہی دیتے ہیں کہ تو رسول ہے, اور اللہ جو شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. کس بات پہ جھوٹ ہے؟ کس چیز کو جھوٹ کہا؟ اس امر پر جھوٹ کہا کہ تو رسول ہے, جو کہتے ہیں وہ غلط ہے. نہیں, جھوٹے اس لیے ہیں کہ صرف زبان سے کہتے ہیں, دل نہیں کہتا. دل نہیں کہتا, اور دل کے کہنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. ایمان کے لیے عرفان کی ضرورت ہے. عرفان ناممکن ہے جب تک علم نہ ہو. اس لیے اگر کلمہ پڑھنا لازم ہے تو پھر ان کو جاننا لازم ہے, اور اگر ان کو جاننا لازم ہے تو پھر ان مسائل پہ گفتگو ضروری ہے. جو اب گفتگو ہو رہی ہے وہ ضروری ہے کہ 23 برس کی زندگی کو عالمینیت کیسے ملی, آفاقیت کیسے ملی. 23 برس کام کیا,
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرقان کو نازل کیا اپنے اس پر تاکہ عالمین کے لیے نذیر ہو. 23 برس عالمین ہے. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. نہیں بھیجا تجھ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. 23 برس کا کام اور عالمین کے لیے رحمت. یہ جاننا ضروری ہے نا. اگر آج آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ پر یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ عالمینی رحمت کیسے ہیں, یہ عالمینی نظارت کیسے ہے. نہیں, انا ارسلنا کافتا للناس, پوری نوع انسانی کے لیے بھیجا ہے. آج کہاں ہے, آج کہاں ہے؟ جاننا ضروری نہیں ہے, صرف کلمہ پڑھتے رہو گے, صرف کلمہ پڑھتے رہو گے, جاننا ضروری نہیں ہے. اور اگر جاننا ضروری ہے تو یہ پہچاننا بھی ضروری ہے, یہ پہچاننا بھی ضروری ہے کہ جس پر کل کچھ گفتگو ہوئی سلسلہ جاری ہے. یہ پہچاننا بھی ضروری ہے کہ رسول کی تعریف کون کرے. گفتگو بہت اہم ہے, رسول کی تعریف کون کرے, رسول کی تعریف کا ماخذ کیا ہے, مدرک کیا ہے, سورس کیا ہے, ذریعہ کیا ہے, کون تعریف کرے. حق پہنچتا ہے صحابہ کرام کو تعریف کا, حق پہنچتا ہے امہات المومنین کو تعریف کا, مگر عالم تباہ میں جو ہے وہ سر و خفی و اخفا کو کیا جانے. اس لیے ہر ایک کی تعریف کے حدود ہے, انکار نہیں ہے, انکار نہیں ہے تعریف سب نے کی, سب نے کی مگر اپنی سطح سے کی, اپنی سطح سے تعریف کی. تو مقام سر و خفی و اخفا پہ ہے محمد. عزیزان گرامی, آپ مجھے معاف کریں مگر میری عادت ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو نا امید نہیں بھیجتا ہوں جب تک کہ یہ طے نہ کر لوں کہ آج آپ نے کیا اپنے علم میں اضافہ کیا, آج آپ نے اپنے علم میں کیا اضافہ کیا. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے, قرآن مجید معجزہ ہے, اور قرآن مجید میں 6236 آیتیں معجزہ ہیں, اور قرآن مجید میں 3,21,250 حرف معجزہ ہیں. یہ بحث یاد ہے. اور ان حروف میں 28 سورے ایسے ہیں جہاں حروف مقطعات ہیں, 28 سورے ایسے ہیں جہاں حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات سمبل, رمزیت, اشاریت, اسرار الہی. اور رمز کے معنی آپ کو معلوم ہے, اشارے کے معنی آپ کو معلوم ہے, یعنی ماضی کے طویل تجربوں کو کم سے کم لفظ میں, کم سے کم حروف میں کسی مقام پر جمع کر دے جاننے والے کے لیے. جاننے والے کے لیے الجبرا رمزیت ہے, جیومیٹری رمزیت ہے, ایسٹرونومی رمزیت ہے, ایسٹرولوجی سمبولزم ہے, رمزیت ہے, اشاریت ہے. میں کتاب پڑھ نہیں سکتا. آپ کو معلوم ہے آئنسٹائن کی تھیوری پر جو کتاب آئی ہے اس کو بڑے سے بڑا انگریزی کا ادیب سمجھ نہیں سکتا. اشارے ہی اشارے ہیں, یعنی ماضی کی طویل تاریخ کو تجربے کی اس نے اشارے میں ادا کر دیا. اب وہ اشارہ وہی جانے جو 7-7 ماضی میں رہا ہو. کچھ توجہ ہے. طویل تجربہ ماضی کی تاریخ کا اختصار رمزیت ہے. ایک رمز,
एक रम्स, अब इसमें कितनी मेहनतें हैं उसको वो इल्म वाला जानता है, वो इल्म वाला जानता है। मैंने कभी मिसाल दी थी, फिर उस मिसाल के लिए मैं वक्त तो नहीं पाता, एक और मिसाल, एक और मिसाल। उन्होंने कहा पाई, पी आई ई, पाई रमजियत क्या है, 22/7, 22/7 रमजियत है। पढ़े लिखे बच्चे सब समझ गए, 22/7, 22/7 का राज क्या है, ये एहराम मिस्र का एरिया है, यानी तवील तजरबा है माजी की तारीख को इस मुख्तसर से इशारे में बयान किया। अब वो रियाजी के जानने वाले, रियाजी के जानने वाले समझ गए 22/7 क्या चीज है। अब बड़े से बड़ा अगर कोई सरफो न हो का आलिम या बैठा हो तो 22/7 को नहीं समझ सकता, 22/7 नहीं समझ सकता। बिल्कुल उसी तरह x+y² + 2xy + y², अब अगर कोई मंतिक का माहिर है तो इस अलजबरा के इस कुल्लिये को नहीं समझ सकता। ऐसी बात है, तो वही के भेजने वाले ने 28 सूरे ऐसे चुने कि जिसको सिंबॉलिज्म से शुरू किया, रमजियत से शुरू किया और इशारा अजीब किया, अजीब किया। मुफस्सिर हैरान हो गया, मेरी फिक्र का साथ दीजिए, मुफस्सिर हैरान हो गया। मैं 36वें सूरे से शुरू कर रहा हूं, यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिन अल मुरसलीन, यासीन कुरान हकीम की कसम तू मुरसल है, यासीन लफ्ज नहीं है, यासीन दो हर्फ हैं, दो हर्फ हैं, दोनों को एक जा किया और यासीन कहा और कहा तू मुरसल है। मुफस्सरीन ने लिखा नाम है पैगंबर का, मुफस्सरीन ने लिखा नाम है पैगंबर का। कोई आज तक बतला सकेगा हमको कि इसके माना क्या है, इसके माना क्या है? अहमद के माना तो मालूम हुए, मोहम्मद के माना मालूम हुए, मुज़म्मिल के माना मालूम हुए, मुद्दस्सिर के माना समझ में आए, नजीर बशीर सिराज मुनीर दाई अनिल अल्लाह आप सब समझ गए, मगर मैं रमजियत से गुफ्तगू कर रहा हूं। यासीन कुरान हकीम की कसम तू मुरसल है, यासीन के क्या माने हैं, क्या इशारा है, क्या रमज है, कौन पहचाने, कौन पहचाने। हम अभी नुत्फियत में हैं, हम अभी अलकियत में हैं, फिक्र की मुजगियत में हैं, शऊर की इजामियत में हैं, इल्म की लहमियत में हैं। हम क्या जाने यासीन क्या है, मगर झूम रहे हैं लफ्ज यासीन पे। बातें समझ रहे हैं आप। अभी अभी हमारे दोस्त उस्ताद माशूक अली खान ने बैठते ही इकबाल के दो शेर सुना दिए, वो दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्म रसूल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाहे इसको मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहा। अदब सबके लिए है, मेरे नजदीक अदब सबके लिए है। और फिर जिसके कलाम को मैं बार बार कोट करता हूं उसका तो बड़ा एहतराम है, मगर कभी कभी दिल पूछता है समझ के कहा है। यासीन की हकीकत मालूम है कि मुफस्सरीन को क्या करना पड़ा इस यासीन के लिए, ये पे क्या बहस की, सीन पे क्या बहस की। यह था 36वां सूरा, यह 20वां सूरा, ताहा मानजलना अलैकल कुरान लितश्का। भाई बहुत तवज्जो से सुनिए, देखिए यासीन कुरान की कसम तू मुरसल है। क्यों कहा यासीन को नाम पैगंबर का,
इसलिए का सिलसिला कलाम यह है कि यासीन तू मुरसल है, इन्ना का काफ़े किताब है, तू मुरसल है। तो का नाम नाम है पैगंबर, नाम है पैगंबर। ताहा मानजलना अलैकल कुरान लितस्का, ताहा कुरान को इसलिए नाजिल नहीं किया कि तू मशक्कत में पड़ जाए। तो दुनिया ने कहा नाम है पैगंबर का, तो एक है क्या माना है, एक है क्या माना है, दोनों को एक जा किया तो लफ्ज नहीं बना, हुरूफ को अलग अलग रख के पढ़ने वालों ने पढ़ा पा हा। इसी तरह से हमने भी आवाज दी, माना समझ में आए। दोस्त ने दोस्त को सिर्फ मोहब्बत से आवाज दी, किसी की खुशामद मंजूर थी अल्लाह को या कुछ इसके मानी है या इसका कुछ मफहूम है या किसी दर्जे पर है वो, कि यासीन ताहा। फिर इसके बाद नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनेमत रब्बिका बिमजनून। नून कलम की कसम, जो लिख रहे हैं तू मजनून नहीं है। अब नून किसका नाम हुआ, देखा आपने, यासीन ताहा नून। क्या माना है नून के, हमारी बेइल्मी आप देख रहे हैं 1400 बरस के बाद भी, बुरा ना माने आप, मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूं, आप देख रहे हैं बेइल्मी, वश्द और है, रक्स और है, वो दिल की कैफियत है, वो मोहब्बत की एक हालत है, अपनी सतह पर देखकर झूम जाना है। मगर नून के माना क्या है, नून वल कलम वमा यस्तुरून, नून कसम है कलम की, और जो कुछ ये लिखते हैं तू दीवाना नहीं है। तीन सूरे हो गए, मैं थोड़ा सा तज्जिया चाहता हूं, जरा हाफिजे में रखिए, मालूमात में इजाफा कीजिए अपने। 28 सूरे हैं जिसमें हुरूफ मुकत्तात हैं, 7 मरतबा अलिफ लाम मीम है, 6 मरतबा अलिफ लाम रा है, 7 मरतबा हामीम है, 1 मरतबा हामीम ऐन सीन काफ है, 1 मरतबा काफ आया ऐन स्वाद है, 1 मरतबा स्वाद है, 1 मरतबा यासीन है, 1 मरतबा ताहा है, 1 मरतबा नून है, 1 मरतबा सिर्फ तासीन है, 1 मरतबा तासीन नीम है, यह 28 की गिनती है। सात मरतबा हवामीम है कुरान है, हवामीम हामीम हामीम। मोहियुद्दीन अरबी उस्ताद हैं रूहानी डॉक्टर इकबाल के, इनकी तफसीर है, तफसीर है शेख अकबर, 2 जिल्दों में है, 2 जिल्दों में। जहां हामीम का लफ्ज कुरान में आया, इन्होंने कहा सिंबल है, इशारियत है, हामीम हकीकत मोहम्मदी, सुन, ये उनकी सथा है, हामीम हकीकत मोहम्मदी, सुन। बहुत आसान है लफ्ज का अदा हो जाना, हकीकत के क्या माना है, देखिए आज विलादत का जश्न मना रहे हैं, कुछ फिक्र रहे, कुछ फिक्र में बुलंदी रहे, हमारा अकलानी वजद यही है, हमारे शऊर के लिए रक्स यह है, हामीम हकीकत मोहम्मदी। हकीकत मोहम्मदी, हकीकत के क्या माना है, हकीकत के माना यह जो कायदे असलाब ना हो, जो कायदे अरहाम ना हो। हकीकत के माना यह कि जिस दिन पैदा किया उस दिन से लेके गरज और गायत कायनात तक वो साथ साथ जाए। हकीकत है जब ही कलेमा लुत्फ देता है, जब ही तशहुद लुत्फ देता है, जब ही शहादत लुत्फ देती है,
जब इंसान का सलाम लुत्फ देता है हकीकत है, गुफ्तगू खत्म नहीं हुई, हकीकत है। अगर दुनिया न जाने तो उस वक्त इल्जाम लगाए कि यह हुसैन का तस्करा क्यों, यह अली की बातें क्यों, यह हकीकत है, यह हकीकत है, मोहम्मदिया है। यह हकीकत है, मोहम्मदिया है, और आज वो है हकीकत। दुरूद सलाम उसी के लिए है, दुरूद सलाम उसी के लिए है। उन्होंने कहा अलिफ लाम रा छह मकाम पर है। मोहियुद्दीन अरबी कहते हैं अलिफ लाम रा और रहमत, अल रहमत, वो रहमत, वो रहमत जिसको आलमीन के लिए रहमत बनाया। सुन, रहमत को खिताब किया। रहमत कह देना आसान है, समझना मुश्किल है, समझना मुश्किल है, इसलिए कि कसरत है वजूद से इदराक शय अमरे मुहाल होता है। कसरत है शय से, यह हवा ही हवा है, एथीरियल वेव्स हैं, हमको नहीं मालूम है कौन सी मौत किधर से आ रही है। रेडियो लगाइए यहां कान के पास तो पता चले लंदन बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, हिंदुस्तान बोल रहा है, दुनिया के ममालिक बोल रहे हैं। रेडियो को ऑफ कर दीजिए, आप तन्हा रहेंगे, मगर आप इदराक नहीं कर सकते, इसलिए कि हर तरफ आपके मौजे ही मौजे हैं। कसरत रहमत से इदराक मुहाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमानियत का एक जज्बा है, रहमत का एक जज्बा है, दोनों का मजहर रहमतुन लिल आलमीन है। अलिफ लाम रा, गुफ्तगू आगे आई, आगे आई, सूरह शूरा, हामीम ऐन सीन काफ, काफ हा या ऐन साद, ये जितने रुमूज हैं सबके बाद का जुमला ये है, तुझ पर नाजिल किया कुरान को, तुझ पर नाजिल किया कुरान को। हुरूफ मुकत्तात के समझने वाले ये कह के आगे नहीं बढ़ सकते कि मियर वर्ड्स, ये अहमदी कमेंटेटर ने लिख दिया था, मियर वर्ड्स सिर्फ हुरूफ हैं, अल्फाज हैं। कुरान मौजदा है, कुरान मौजदा है। मौजदे में नाम आया, यासीन को माना, ताहा को माना, नून को माना। जब यासीन और ताहा और नून को माना, अलिफ लाम रा को क्यों नहीं माने। गुफ्तगू खात्मे पे आ रही है। मोहियुद्दीन अरबी ने बहस की अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, उसने कहा अलिफ वजूद अव्वल, अलिफ वजूद अव्वल, लाम अक्ल, मीम मोहम्मद, दायरा तकवीन का मुकम्मल हुआ, वजूद अव्वल फिर मोहम्मद से मिल गया, अव्वल मोहम्मद आखिर मोहम्मद, अलिफ लाम मीम। यह किसका तस्करा है, यह किसका तस्करा है, यह अपनी तरफ से नहीं गुफ्तगू हुई थी, नाम मैं लेते जा रहा हूं। तफसीर शेख अकबर मोहियुद्दीन अरबी, उसने कहा अलिफ लाम मीम वजूद कुल, वजूद कुल के जहां आगाज से लेके अंजाम तक वजूद अव्वल बने, अक्ल बने, मोहम्मद कमाल पर आए। जब कमाल पर आए तो मंजिल रूह से गुजरे, मकाम सिर से गुजरे, मकाम खफी से गुजरे, मकाम अक्फा पर आए, मकाम सिर वो, मकाम सिर वो के दना, मकाम खफी वो के फतदल्ला, मकाम अक्फा वो के फकाना काब कौसैन, दो कमान आपस में मिल गए। अब इसके बाद के जुमले के माना आपको मालूम है, काना काब कौसैन, गोया दो कमान मिले, आओ अदना बल्कि और नजदीक, दो कमान के मिल जाने के बाद और कुर्बत क्या है। समझ में आ रही है बातें, दो कमान मिले, दो कौस मिले, आओ अदना नहीं और नजदीक, ये मकाम अख्फा है,
इंसानियत का कमाल है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अब कलमा लुत्फ देता है कि उस माबूद के लिए ऐसे ही बंदे की जरूरत है, ऐसे ही बंदे की जरूरत है कि अलिफ लाम मीम भी वही, अलिफ लाम मीम रा भी वही, अलिफ लाम रा भी वही, हा मीम भी वही, हा मीम ऐन सीन काफ भी वही, काफ आया ऐन स्वाद भी वही। आपको आयतें तो याद है ना, मैं इख्तिसार कर रहा हूँ। काफ आया ऐन सात सूरह मरियम की आयत है, काफ आया ऐन सात जिक्र रहमत रब का अब्दहु ज़करिया, काफ आया ऐन सात तेरे रब की रहमत का जिक्र ज़करिया ने किया, किसको जिक्र ज़करिया ने किया, किसको खिताब है, देख रहे हैं आप लफ्जों का कंस्ट्रक्शन किस तरह से जुमले का कंस्ट्रक्शन हुआ है। काफा या इंसान तेरे रब की रहमत का तस्करा ज़करिया ने किया। सुभान अल्लाह, इस मंजिल पर पहुंचकर गुफ्तगू इसलिए इस बुलंदी से नहीं की गई कि खुदा ना खास्ता आप में एहसास कमतरी हो, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, गुफ्तगू इसलिए की गई कि आप ही की फिक्र है, आप ही की फिक्र है, हो सके तो किसी से पूछिए नून के क्या माना, हो सके तो किसी से पूछिए यासीन के क्या माना है, यासीन तो दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, फकत इसीलिए नहीं है कि मैयत के सिरहाने पढ़ा जाए, बल्कि कुछ और भी मसाइल हैं, कुछ और भी उलूम हैं। हमारी जाने पाए अकदस खत्मी मर्तबत पर कुर्बान कि जिसको 1400 बरस के बाद भी दुनिया आज भी न समझ सकी, समझ सकी दुनिया, पहचान गई दुनिया, उस हकीकत को मान गई दुनिया, नहीं, रस्म है, इस्म है, नाम है और सिर्फ एक कलमा है जो जारी है जबानों पर। इसलिए इसलिए अब हम पैगंबर की जिंदगी का माकज वहां कहां से ले जहां बुहेरा रहा है पहचनवाए, जहां बुहेरा पहचनवाए, खतीजा को हिफाजत से रखो, नबी है जिस पे वही आ रही है उसको नहीं मालूम, बुहेरा ने पहचनवाया, नसारा के राहिब ने पहचनवाया नबी है, तो किससे ने उसकी जिंदगी के माकस को, इस्लाम पे किताबें लिखी जा रही हैं, पैगंबर की सीरत पे किताबें लिखी जा रही हैं, रावी कौन है, रावी कौन है जो 10 हिजरी में मुसलमान हुआ, जो 9 हिजरी में मुसलमान हुआ, जो मदीने के फुतूहात के बाद मुसलमान हुआ, मक्के में काफिर था, मदीने में मुसलमान हुआ, वो पैगंबर की लाइफ को डिक्टेट कर रहा है कि मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, तो तूने यही देखा कि रात को कहां रहते थे, सुबह को कब तशरीफ लाते थे, तूने यही देखा। इंतहाई हैरत का मकाम, इंतहाई हैरत का मकाम है कि दुनिया की अजीम तरीन किताब में इस वाकये को लिखा जाए, बाबुल तहारत में, बाबुल गुसल में, बाबुल वुजू में, कि पैगंबर आए सफें दुरुस्त हो गई और पैगंबर नमाज के लिए खड़े हो गए, और एक मतबा पलट के कहा रुक जाओ मैं भूल गया मुझे गुसल करना था, वापस आए गुसल किया, उलमा लिखते हैं कि सर से पानी के कतरे टपक रहे थे, ऐसे में नमाज पढ़ी, इससे क्या दर्श मिला, क्या दर्श मिला, बजुज इसके कि देखने वाला अपनी सतह से देख गया, अपनी सतह से देख गया और उसने जाते खत्म के लिए वही जिन्सियत, वही तबीयत और वही जरूरियात हयात लाजिम जाने कि जिन जरूरियात हयात का वो आदि था। इस निगाह से देखते हो तो ये निगाह भी है, ये निगाह भी है। और मीलाद की महफिल में अगर नूर को नूर की निगाह से देखना है, नूर को नूर की निगाह से देखना है तो अली अब भी है,
جب بھی آئیں نگاہ علوی سے دیکھو, حسین اب بھی آئیں نگاہ حسین سے دیکھو, صادق آل محمد آج بھی آئیں ان کی نگاہ سے دیکھو, 17 ربیع الاول ولادت قطمی مرتبت بھی, ولادت صادق آل محمد بھی. تو دیکھا آپ نے جعفری کے لیے کس قدر دوبالا ہو جاتی ہے مسرت آج, کہ عارف بھی ہے اور مرکز معرفت بھی ہے. ان کی نگاہوں سے دیکھو کہ یہ کس طرح سے تعریف کرتے ہیں. کبھی کسی معصوم نے ختمی مرتبت کی جنسی زندگی پہ گفتگو کی؟ کبھی کسی معصوم نے نہیں. اس لیے کہ تقاضا عصمت یہ ہے کہ گفتگو عصمت پر ہو, تقاضا عصمت یہ ہے کہ گفتگو عصمت پر ہو. یہ باتیں اگر ذہن میں ہیں تو پھر ہم مطمئن ہیں اس بات پر, اس بات کہ ہمارے لیے آغاز انجام اول آخر ظاہر باطن فقط ایک ہستی ہے, دنیا سن لے, اور وہ ہستی ہے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ. یہ آخری جملے ہیں, ہمارے لیے آغاز انجام اول آخر ظاہر باطن فقط محمد. آپ سمجھ گئے؟ یعنی ہماری مجلسوں کا مقصد محمد, ہمارے ماتم کا مقصد محمد, ہمارے جلوس کا مقصد محمد, ذریح کا باہر آنا محمد, تابوت کا باہر آنا محمد. یہ صرف اس لیے ہے کہ دنیا محمد کو پہچانے. یہ گفتگو عقیدے کی نہیں ہے, عقیدے کی نہیں ہے, کسی مینٹل ریزرویشن کے ساتھ گفتگو نہیں ہے, کسی دماغی تحفظ کے ساتھ گفتگو نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہے فقط انہی کے لیے, انہی کے لیے. دنیا چونکہ ان کو نہ پہچان سکی اس لیے کربلا, دنیا محمد کو پہچان نہ سکی اس لیے کربلا. صلوات بابا علیہ والا کربلا کو درمیان سے ہٹا لو, تاریخ اسلام سے کربلا کو درمیان سے ہٹا لو اور کربلا کی دی ہوئی معرفت کو مائنس کرو, اس وقت پتا چلے گا کہ کس انسان کا تصور ذہن میں آتا ہے, کس انسان کا تصور ذہن میں آتا ہے کربلا, کہ جو پیغمبر کے ہم اجا ہونے کو, ہم اجیر ہونے کو, محیط ہونے کو ثابت کرے, مڑ مڑ کے محمد کا نواسا سلام کرے, مقتل سے سلام کرے, گرتے ہوئے سلام کرے, محمد کی نواسی مقتل میں آ کے سلام کرے. آج بھی دنیا سلام کرنے سے بھاگ رہی ہے. آپ سمجھ رہے, کہتے ہیں سلام تو مردے پہ کیسے کریں. یہ ہے کربلا جو حقیقت محمدیہ کو منوا رہی تھی, منوا رہی تھی کہ ہے باقی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس منزل پر ناز کرتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں ادب سے عرض کرتے ہیں کہ سرکار آپ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میری لائف کو لکھنا ہو تو ان سے پوچھ کے لکھو, ان سے پوچھ کے لکھو, ان سے پوچھ کے لکھو. کسی کا نام نہیں دیا تھا, آپ کو معلوم ہے, وصیت نہیں کی تھی کہ میری زندگی کو ان لوگوں سے سن لینا, نہیں. وہ تو ہر ایک نے اپنی محبت کی وجہ سے کہہ دیا, محبت کی وجہ سے کہہ. مگر آپ نے جو کہا تھا اس لیے کہا تھا, انی تارکن فیکم الثقلین, کہ دنیا میں اہل بیت رہے تاکہ میں سمجھ میں آؤں. تاکہ میں سمجھ میں آؤں, اور اہل بیت نے سمجھایا. دنیا نے کہا اتنا احترام کرتے ہیں رسول کا, اتنا احترام کرتے ہیں, گویا عبادت کر رہے ہیں, گویا عبادت کر رہے ہیں پیغمبر کی.
पहले बात ने कहा जो कुछ सही, जो कुछ सही, जब नाम आएगा सर झुक जाएगा, जब नाम आएगा सर झुक जाएगा। दुनिया को एतराज था कि जाने दो, बड़े आदमी है, मर जाने के बाद कुछ दिनों तस्करा होता है, इसके बाद दुनिया भूल जाती है। मगर दुनिया गाफिल हो गई, दुनिया गाफिल हो गई। दुनिया ने यह नहीं जाना कि कलेमा फकत ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। समझ में आ रही है बातें? कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, और अगर है तो वो इस्लाम का कलेमा नहीं है, मुसलमानों का कलेमा नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक के मोहम्मद रसूलुल्लाह ना हो। और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह है तो वो हकीकत बाकी है, वो हकीकत जो यासीन और ताहा में है, वो हकीकत जो नून और अलिफ लाम मीम में है, वो हकीकत जो फवाते हैं सुअर में है, वो हकीकत जो नूर बनकर है, और वो हकीकत जिसका तस्करा हर आन हर मौके पर होता रहेगा, हर जमाने में हर दौर में होता रहेगा। इसलिए हम क्या हक अदा कर सकेंगे उनकी मारिफत का, क्या हक अदा करेंगे उनके पहचान का, बजुज इसके कि जब नाम आए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, तीन मर्तबा दुरूद ब आवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। खुदावंदा वास्ता इसी मौलूद का, खुदावंदा वास्ता हकीकत मुहम्मदिया का, मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद फरमाओ, इनको मारिफत रसूल अता फरमाओ। परवरदगार बीमारों को शिफा अता कर, बेरोजगारों को रोजगार अता कर। ताजील फरमाओ जहूरा।